औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल वेक्टर के करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मॉडल पेपर का क्वेश्चन करवाते हैं, जो ज़्यादातर उम्मीद है आपके पेपर में आ जाएगा। सवाल ये है इसका डेटा मॉडल पेपर का, ये सवाल इस तरह है कि एफ और वाई एक्सिस के कॉम्पोनेंट आपको फोर्स के बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िए, द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स एफ एंड एक्स एंड वाई एक्सिस जो है वो आपको दिया हुआ है। दो फोर्स दी हुई हैं आपको, एक आपको 6 न्यूटन दी हुई है और एक आपको 8 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेज आपको गिवन है। अब एक जो है वो एक्स एक्सिस है और एक जो है वाई एक्सिस है। जो पहला है वो एक्स एक्सिस है, जो दूसरा है वो और आपसे पूछा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब आपने एफ कैलकुलेट करना है, ठीक है, और डायरेक्शन का मतलब आपने थीटा कैलकुलेट करना है। क्लियर है सवाल? मैग्नीट्यूड का मतलब फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी क्वांटिटी, तो फोर्स बताएगा ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर फोर्स ये 6 न्यूटन है तो ये 6 मैग्नीट्यूड है ना, ये एक मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा आपका, ठीक है। सवाल में किसी को एतराज़ है तो पूछे मुझसे। दो कॉम्पोनेंट दिए हुए 6 न्यूटन 8 न्यूटन फोर्स के एक्स और वाई, तो एक है पहला वाला एफ एक्स हो गया, दूसरा वाला तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और उसकी डायरेक्शन, दोनों चीज़ें मालूम करनी है। अब ये हमारे पास जो इसका फार्मूला है ये मैंने आपको नहीं लिखवाया, इसका फार्मूला इस तरह अप्लाई होगा कि एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और इस पर होगा रूट। ये हमारे पास टोटल फोर्स का फार्मूला है वेक्टर का, ठीक है। तो मैंने एफ निकालना है, एफ एक्स कितना है 6 का क्या करूँगा स्क्वायर, एफ वाई कितना है 8 का क्या होगा square. इन दोनों के ऊपर छत बना दें, 6 6 36, 8 8 64, दोनों को जब आप ऐड करेंगे 100 आ जाएगा, तो दोनों कितना आ जाएगा 100, और फोर्स का यूनिट क्या आएगा न्यूटन, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, रूट कहाँ गया, गुड, तुम लोगों को चेक कर रहा था रूट कहाँ गया, रूट को लेकर आते हैं, ये आ गया 100 पे रूट आएगा और जब आप कैलकुलेटर से इसे निकालेंगे तो 10 न्यूटन फोर्स आ जाएगी, ठीक है ना। तो 6 और 10 अगर एफ और एक्स एक्सिस पर अप्लाई हो रही है तो टोटल हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालनी है, डायरेक्शन। तो उसके बाद अगर आपने डायरेक्शन की अगर आप हेडिंग डाल लेते हैं तो टेन इनवर्स जो है एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं एफ वाई और एफ एक्स को तो देखें किस तरह होगा। टेंजेंट इनवर्स एफ वाई कितना है मेरे पास 8 और एफ एक्स कितना है 9 6। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करें आप 8 डिवाइडेड बाय 6 तो आएगा 1.33। एंगल इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1.33। और जब आप इसका टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे, टेन इनवर्स के लिए आपको टेबल दिया जाएगा, आप टेबल से निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा थीटा का वो 53.13 डिग्री आएगा, बल्कि इसे 53 पे ही छोड़ देंगे, 53 डिग्री आएगा। तो ये जो फोर्स अप्लाई हुई है अगर आप डी बनाएंगे तो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये तकरीबन 45 से थोड़ा सा आगे 53 डिग्री से ये वेक्टर जो है ये इसकी डायरेक्शन है। हमने ये सब ड्रॉ नहीं करना, ये आपको ऐसे ही मैंने बताया, बस हमने जनरली ये करना है कि ये तो दोनों ही सिंपल सा है, एफ आई अपॉन एफ एक्स, एफ आई की वैल्यू 8 है, ये 6 है, और दोनों को डिवाइड किया 1.33, उसका टेन इनवर्स हमने टेबल से निकाला 53 डिग्री। टेबल से निकालना टेंजेंट इनवर्स आपको फिर कभी सिखाएंगे ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। अब 2013 में क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ है, अब इसको जो है वो देखें, इसे इसका डेटा बनाते हैं। देखिए भाई, पहले है डेफिनेशन लिखिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, यानी एफ एक्स और एफ आई की डेफिनेशन लिखें।
अच्छा उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो 100 न्यूटन दिया हुआ है. 100 न्यूटन क्या दिया हुआ है? फोर्स. फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन. ठीक है ना? ठीक है भाई. उसके बाद ये कह रहा है विच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. एंगल बता रहा है. एंगल के लिए हम यूज करते हैं थीटा. 60 डिग्री. फोर्स दी हुई है आपको. कह रहा है फोर्स जो है मेरे पास 100 न्यूटन है और एंगल मेरे पास 60 डिग्री है. तो बताइए उसके बाद फाइंड टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताए. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें पता है एक एफ एक्स होता है और एक एफ आई होता है. ये दोनों हमने कैलकुलेट करने हैं. जबकि हमें नीचे वैल्यू दी हुई है. साइन 60 की वैल्यू भी गिवन है और कॉस 60 की वैल्यू भी गिवन है. देखें आप सॉल्यूशन कैसे उसका इसका होगा. सॉल्यूशन एज वी नो दैट एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ कॉस थीटा. एफ एक्स मैंने निकालना है. एफ कितना है? कॉस थीटा. एफ की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन. कितनी है? 100 न्यूटन. बेटा पहले देख लो. एफ की वैल्यू है 100. ये कॉस थीटा. ये कॉस की जगह आएगा थीटा. कितना है? 60 डिग्री. ये आ गया 60 डिग्री. एफ एक्स इज इक्वल टू 100. कॉस 60 की वैल्यू हमें समय यहाँ 5 ईयर में पेपर में लिख कर दी है. कॉस 60 की वैल्यू है 0.5. ठीक है भाई. जब आप 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 50 और फोर्स का यूनिट न्यूटन. तो ये एक कंपोनेंट हमारे पास आ गया. दूसरा एंड एफ आई का फॉर्मूला क्या होता है? एफ साइन थीटा. तो एफ आई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है? 100. साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री. तो एफ वाई अब 100 ऐसे ही रहा. साइन 60 की वैल्यू 0.866 ये गिवन दी हुई है पेपर में हमें. ठीक है 0.866. जब 0.5 भी गिवन है. ये भी गिवन है. ये भी गिवन है. कॉस 60 की ये गिवन है. साइन 60 की ये गिवन है. अलग अलग है. हाँ अलग अलग है. जब आप 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 86.6 आ जाएगा. तो एफ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. सो दिस इज द टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री. हमें फोर्स और 60 डिग्री गिवन है. एफ एक्स एफ वाई निकालना है. एफ एक्स का फॉर्मूला एफ कॉस थीटा. एफ की वैल्यू सवाल में 100 है. कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है. इसकी वैल्यू पेपर में हमें दी हुई है. इसकी वैल्यू 0.5 है. मल्टीप्लाई किया ये आंसर आ गया. सेकेंड हमारे पास एफ वाई एफ साइन थीटा. फोर्स की वैल्यू 100 और थीटा की वैल्यू 60. इसकी वैल्यू हमें पेपर में दी हुई है. ये आ गई. दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया. लिखें सवाल कहाँ मिलेगा? ये सवाल 2013 का क्वेश्चन नंबर 9 है. और यही क्वेश्चन जो है वो अगेन रिपीट हुआ है. 2012 में भी रिपीट हुआ है. और क्वेश्चन नंबर 21 सेम क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये यही सवाल एग्जैक्टली जो है वो दो दफ़ा आपके पेपर में आ चुका है. ठीक है ना भाई. अब आ जाते हैं 2019 पे. 2019 में क्वेश्चन है थोड़ा सा जो है वो जिस ट्रेंडिंग पे आता है सवाल उससे थोड़ा सा हटकर उन्होंने दिया है 2019 में. तो 2019 का क्वेश्चन नंबर 13 है. आए देखें ज़रा गौर से सुनिएगा और इसे ज़रा गौर से देखिएगा. अ फोर्स इज एक्टिंग. सुन लें खाली. एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. आपको सबसे पहले जो है इसके अंदर एंगल बताया है. एंगल क्या होता है? थीटा. कितना हो गया? 60 डिग्री. ठीक है भाई. अब सवाल ये है इफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज 50 न्यूटन. अगर x कंपोनेंट जो फोर्स का है वो 50 न्यूटन है. यानी fx आपको बताया है x कंपोनेंट जो है वो 50 न्यूटन है. तो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स बताइए एंड y कंपोनेंट ऑफ फोर्स और फोर्स का y कंपोनेंट बताइए. ठीक है. अगेन सुन लीजिए सवाल. अ फोर्स ऑफ फोर्स इज एक्टिंग 60 डिग्री. थीटा जो है वो 60 डिग्री हो गया. एंड x कंपोनेंट. जब x कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखा जाएगा तो fx हो गया 50 डिग्री. तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स क्या है और y कंपोनेंट क्या है.
दोनों चीज़ें आपसे पूछी हैं और नीचे आपको दोनों वैल्यू बताई हुई हैं कि साइन 60 जो होता है उसकी वैल्यू 0.86 है और कॉस 60 की वैल्यू 0.5 है। देखें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि सॉल्यूशन एज वी नो दैट एफ एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा देख लें पहले, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 50। फोर्स मुझे नहीं पता, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। मैंने एफ निकालना है, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 50 डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री और एफ अलग हो जाएगा, ठीक है। अब 50 डिवाइडेड बाय कॉस 60 की वैल्यू हमें जो सवाल में गिवन है कॉस 60 0.5, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 0.5 या 0.5 तो ये दोनों डिवाइड होकर आएगा 100 और फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है भाई। फिर देख लें एफ एक्स की वैल्यू 50 है, एफ मालूम करना है, कॉस और थीटा मुझे दिया हुआ है 60, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉस 60 और फोर्स, तो ये नीचे आके डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड हो गया नीचे आके तो इसकी वैल्यू गिवन है, ये मैंने लिख ली 0.5, 50 को 0.5 से सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड किया, साइंटिफिक आपको अलाउ नहीं है तो ये आ गया। उसके बाद मैंने एफ वाई निकालना है एंड, तो एफ वाई का क्या फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ वाई का फॉर्मूला एफ साइन थीटा। तो एफ वाई अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो एफ कितना आ गया मेरे पास 100, तो 100 और साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, तो एफ वाई इज इक्वल टू 100 और साइन 60 की वैल्यू 0.866, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। जब 100 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 86.6 फोर्स का यूनिट न्यूटन। अब आप इसमें ये नोट कीजिए कि एक ही तरीके का सवाल जो है कि 60 डिग्री के साथ फोर्स आपको 100 न्यूटन दी हुई है, यही सवाल आगे पीछे करके रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। पिछला वाला भी हमने यही किया, 60 डिग्री थी, फोर्स थी, एफ एक्स और एफ वाई निकाला था, ऐसी था ना, आंसर 50 आया था और एफ वाई यही आया था। अब इसमें सिर्फ सिचुएशन को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो टेनियर में आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके हो गए, और इसके अलावा जो मौजूद हैं वो सॉल्व कीजिए, जो कुछ सिमिलर अगर हो रहा है तो उसको सॉल्व कीजिए, और कल इसका जो है थ्योरी का भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का और न्यूमेरिकल्स का भी आपका सबका टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।